पिछले साल प्याज की कीमतें आसमान छू रही थी। तब एक किलो प्याज 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी, मगर कुछ ही महीने बाद प्याज खेतों में सड़ रही है और किसानों को खरीदार नहीं मिल रहे। हल्द्वानी में सैकड़ों बीघे में काश्तकार प्याज की फसल बोते हैं, मगर बेमौसम बारिश और लॉकडाउन की पाबंदियों के चलते उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। यहाँ किसानों की तैयार फसल 5 रुपए किलो में खरीदने वाले नहीं मिल रहे। किसानों का कहना है कि इतने कम दाम से उनकी लागत तक नहीं निकल रही। प्याज हमारे यहाँ लगभग 90% मौसम की मार से खराब हो चुका है, जिससे लेबरों की लागत और काश्तकारों का पूरा जितना वो लगा है लागत, वो अभी तक वसूल नहीं हुआ है। अभी प्याज जा रहा है हमारा 5 रुपए 4 रुपए 5 रुपए किलो। लागत निकलने की कोई चांसेज नहीं है। अगर थोड़ा कुछ खपत होती, कहीं होटल रेस्टोरेंट खुले होते तो वहाँ खपत होती, तो अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खुदरा बाजार में अभी 1 किलो प्याज 25,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। उम्मीद की जा रही थी कि इसका कुछ फायदा किसानों को होगा, लेकिन फसल अच्छी होने के बावजूद उसका फायदा नहीं मिला। बेमौसम बारिश ने पूरी प्याज की फसल को तबाह कर दिया। पहले तो मौसम ने बारिश ने इतना इशू किया, अब खुदाई में जो भी मिल जाता है, अब बाजार बिल्कुल बंद है, कोई न व्यापारी है, न खरीदने वाला है, न खाने वाला है। जो मंडी जा रहा है 5-7 रुपए किलो बिक जा रहा है अच्छा प्याज, तो सूखा हुआ। लागत निकल जाएगी, लागत कहाँ ऐसे भी निकलती है, तो अभी कुछ पता ही नहीं है बिकेगा या नहीं बिकेगा, कोई पता नहीं है। नुकसान कितना होगा? नुकसान तो पूरा है समझो, 90% से नुकसान ही समझो। अभी से अब बिकेगा नहीं तो, अगर और लॉकडाउन नहीं खुलता तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन के चलते किसान अपनी प्याज स्थानीय बाजारों में बेच नहीं पा रहे हैं, जबकि पाबंदियों के चलते थोक मंडियों में इसका बिकना आसान नहीं है। हल्द्वानी के किसान समझ नहीं पा रहे कि बारिश से बच गई प्याज की फसल वे कहाँ ले जाकर बेचे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।